हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिखते किस तरह हैं? ए प्लस आयोटा बी एंड एक्स प्लस आयोटा वाई, ये तो आपको मालूम है। उसके बाद आप ये देखें कि आयोटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस वन के इक्वल होता है। अब हमारे पास क्या है, ये एक फिगर है। फिगर में आप देखें, यहाँ पे आपका रियल पार्ट है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। ये आपका क्या होता है, जेड की वैल्यू होती है, जिसे हम क्या करते हैं, रिजल्टेंट ले रहे होते हैं, उसको कहते हैं जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, जिसको डिनोट करते हैं जेड से। अच्छा, जेड का ये एब्सोल्यूट है, थीटा आपका क्या होता है, आर्गुमेंट होता है, बी आपकी इमेजरी होती है, ए आपका रियल होता है, जेड का जो ऊपर बार है वो कॉन्जुगेट होता है। ये कुछ प्रॉपर्टी है, जेड वन मल्टीप्लाई बाय जेड टू होगा तो ये क्या होता है, जेड वन जेड टू, जेड वन अपॉन जेड टू होगा तो जेड वन अपॉन जेड टू की प्रॉपर्टी होगी। देन ये आपकी कुछ और प्रॉपर्टी है, जेड वन प्लस जेड टू एब्सोल्यूट पे स्क्वायर होगा तो ये हो जाता है जेड वन का स्क्वायर प्लस जेड टू का स्क्वायर प्लस टू रियल जेड वन जेड टू का, जेड वन जेड टू के ऊपर बार आ जाएगा। जेड वन माइनस जेड टू का स्क्वायर इक्वल टू जेड वन का होल स्क्वायर प्लस जेड टू मॉडुलस पे स्क्वायर माइनस टू रियल, यानी कि यहाँ पे आपने रियल वैल्यू चूज करनी है, जेड वन जेड टू पे भी बार आ जाएगा। ये लेस देन और ग्रेटर देन एंड इक्वल है। अच्छा, अब आए हमने क्या करना है, हमारे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कॉम्प्लेक्स से पोलर फॉर्म में जाना है। कॉम्प्लेक्स नंबर से पोलर फॉर्म में जाने के लिए सबसे पहले हमने निकालना होता है आर। आर कैसे निकालेंगे, आपकी पहली वैल्यू एक्स होती है और दूसरी वैल्यू क्या होती है, वाई होती है। ये एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा वन का स्क्वायर और ये माइनस थ्री स्क्वायर रूट से कैंसिल, थ्री प्लस वन फोर आ जाएगा। सबसे पहला स्टेप आपने कॉम्प्लेक्स से पोलर फॉर्म में जाने के लिए हमेशा पहला स्टेप जो करेंगे वो करेंगे थ्री प्लस वन टू आर की वैल्यू को निकालना। सेकेंड स्टेप थीटा निकालना। थीटा कैसे निकालेंगे, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, वहाँ पे सिर्फ आपने वाई की वैल्यू क्या लेनी है, वन, और एक्स की वैल्यू अंडर रूट थ्री लेनी है। ये देखें, ये एक्स है और ये वाई है, आपने कोफिशेंट लेना है आयोटा का वन है। अब जब मैंने इसको डिग्री में आया था, इसको रेडियन में चेंज करा तो माइनस फाइव बाई सिक्स, थीटा इज इन सेकेंड क्वार्टेंट, हमें कैसे पता चलेगा। अब ये देखें, फर्स्ट में क्वार्टेंट में सब पॉजिटिव है, सेकेंड में साइन पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, मीन्स कॉज नेगेटिव वाई पॉजिटिव। ये देखें, एक्स की वैल्यू नेगेटिव में और वाई की वैल्यू पॉजिटिव में। अब आपने क्या करना है, इसी को ही देखते हुए हमारे पास थीटा इज इन सेकेंड क्वार्टेंट में होता है तो आपने यहाँ पे माइनस करवाना है पाई माइनस पाई अपॉन सिक्स, सिक्स पाई माइनस पाई तो ये हो जाएगा फाइव पाई बाय सिक्स। अब आप क्या करेंगे, पोलर फॉर्म का फॉर्मूला होता है जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई होता साइन थीटा, तो z इक्वल टू टू कॉस थीटा फाइव फाइव बाई सिक्स प्लस आयोटा साइन फाइव फाइव बाई सिक्स, तो ये आपका क्या आ जाती है, पोलर फॉर्म में आ जाए।